केन्द्र खणि राष्ट्रमंत्री विष्णुदेव साय आमस्त अच्छा भुवनेश्वर आसान और ओडिशा एक खणि संपर्कित आसोचाम बैठक में जोग देते और आलोचना करेंगे ओडिशा खणि खनन केत दूर हे सर आपको स्वागत है ईटीवी कार्यक्रम में क्या बोलेंगे खनी 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 बारे में आपकी जो बैठक हुआ उसमें क्या निष्कर्ष मिला देखिए आज एसोचैम द्वारा ओडिशा में खनन क्षेत्र पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो दो दिन चलेगा और इसमें बड़ी सार्थक चर्चा होगी और हम जानते हैं कि उड़ीसा मतलब खनिज संपदा से भरपूर है और माइंस के क्षेत्र में देश में छठवां स्थान रखता है और अभी MNDR अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद ये पहला स्टेट है जो लौह अयस्क का पहला खदान ऑक्शन किया है और निश्चित रूप से इसके आने से यहाँ पर और माइनिंग सुचारू रूप से चलेगा देखिए अब MMDR अमेंडमेंट एक पास होने के बाद बिल्कुल खनन का क्षेत्र सुचारू रूप से चलेगा और डेवलपमेंट के लिए एक DMF का गठन हुआ है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का और एक प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत हुई है इसमें जो रॉयल्टी है वो तो गवर्नमेंट के पास जाएगा लेकिन जो माइंस फंक्शन में है जो लीज के माध्यम से जो चल रहे हैं वो 30% राशि DMF में जमा करेंगे और जो ऑक्शन से अब जो माइंस जो लेंगे वो रॉयल्टी के 10% के बराबर राशि जमा करेंगे और वो DMF में जमा होगा और जो क्षेत्र खनिज से प्रभावित होगा जो व्यक्ति प्रभावित होगा जो गांव प्रभावित होगा वहां के विकास के लिए वहां के ड्रिंकिंग वाटर के लिए वहाँ हेल्थ के लिए वहाँ के लिए एजुकेशन के लिए राशि का खर्चा होगा तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा।